हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुजय इन्फोटेक में। मैं हूं सुजय और आ गया हूं आज एक नए नोटिफिकेशन के साथ। जहां दोस्तों नोटिफिकेशन यह है कि बिहार आईटीआई कैट 2020 यानी कि आईटीआई कैट की जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रही थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही थी, उनकी डेट को लेकर कुछ नोटिफिकेशन आया है, जिसमें पहले बताया गया था कि इसकी ऑनलाइन करने की लास्ट डेट थी 26 अप्रैल तक, उसको बढ़ाया गया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो नोटिफिकेशन और कितने दिनों के लिए फॉर्म की डेट बढ़ाई गई है। तो आप देख सकते हैं, हम बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो वेबसाइट है यानी कि बीसीईसी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ गए हैं और एक हमें यहाँ आईटीआई कैट का सेक्शन दिख रहा है। तो हम सिंपल इस आईटीआई कैट वाली पर क्लिक कर देते हैं। आप गूगल में सर्च करें बीसीईसी बोर्ड तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो आएगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बिहार आईटीआई कैट, हम यहाँ आईटीआई कैट पर क्लिक किए तो वहाँ पर हमें एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने को मिला जो कि यहाँ पर हाल ही में अपलोड किया गया है 25/4/2020 को। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हुआ और कुछ नोटिफिकेशन में इस तरह की बातें बताई गई। चलिए हम इसे थोड़ा रीड करके आपको भी बताते हैं। इसमें बताया जाए कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि आईटी कैट 2020 संबंधित यह सूचना है। बताया जा रहा है कि सर्वसाधारण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2020 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतना इतना में 23/3/2020 के अनुसार 24/5/2020 को आयोजित होने वाली उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 26/4 निर्धारित है, यानी कि 26/4 तक पहले इसका डेट था। और आगे इसमें बताया जाए कि COVID-19 वायरस एवं बिहार सहित संपूर्ण भारत में 3/5/2020 तक लॉकडाउन रहने के कारण छात्र हित में आईटीआई कैट 2020 से संबंधित निम्नलिखित तिथियाँ निर्धारित की गई, यानी कि जो लॉकडाउन की स्थिति है, आप जान सकते हैं कि 3 तारीख तक लॉकडाउन है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने जो आईटी कैट के ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है उसे बढ़ाई है। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है एक में कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट यानी कि 10/5/2020 अब आप 5वें महीने के 10 तारीख तक आसानी से आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म अपना फिलअप कर पाएंगे। इसमें बताया जा रहा है कि लास्ट पेमेंट का जो डेट है या चालान का जो सबमिशन डेट है वो आप 11 तारीख तक कर सकते हैं बैंक के थ्रू, बैंकिंग के माध्यम से अगर आप पेमेंट करते हैं तो। इसमें और बताया जाए कि लास्ट पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, इसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से तो आप 12/5/2020 तक कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन एडिटिंग फॉर्म यानी कि आप अपने फॉर्म में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो 13/5 से लेकर के 16/5 के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। इसमें इशू ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड टू बी नोटिफाई, अगर एडमिट कार्ड से रिलेटेड और सारे जो इशू है वो आपको नोटिफाई कर दिए जाएंगे। तो कुछ यही था जो कि इसमें बताया गया है कि जो इनका डेट था फॉर्म भरने की 26/4 तक, उसे बढ़ा करके अब 10/5 तक कर दी गई है, यानी कि अब आप 10 तारीख 5वें महीना तक आसानी पूर्वक बिहार आईटीआई कैट 2020 का आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ यही नोटिफिकेशन था, तो हमने सोचा कि आपको बता दूँ, शायद आप भी आईटीआई करना चाहते हो तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आई होप यह नोटिफिकेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।